नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा, विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरा, तो सीएम योगी ने दिया जवाब, जाति धर्म पक्ष या विपक्ष नहीं देखती सरकार। मिशन 2022 पर यूपी कांग्रेस का फोकस, आज से जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत, सत्ता हासिल करने के लिए घर घर दे रही कांग्रेस दस्तक। पीलीभीत के अमरिया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रैली, पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जनसभा को किया संबोधित, योगी सरकार पर साधा निशाना। ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेगी यूपी सरकार, इकाना स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम, सीएम योगी और राज्यपाल होंगे कार्यक्रम में शामिल। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर, दर्जनों गांव जलमग्न, फसलें हुई चौपट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के 7,301 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता विपक्ष और सपा विधायक राम गोविंद, बीएसपी विधानमंडल दल के नेता शाह आलम, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा और सुहेल देव, समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, किसानों के मुद्दे पर घेरा। वहीं विपक्ष के सभी नेताओं ने अनुपूरक बजट को चुनावी बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1,40,00,000 लोगों के घरों तक निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई गई है, साथ ही निशुल्क गैस दिए गए हैं। इनमें कहीं भी जाति धर्म पक्ष या विपक्ष नहीं देखा गया है। यूपी में जितने लोग हैं सब हमारे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर घर को हमने निशुल्क अनाज दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी जैसे बड़े प्रदेश का बजट 2,00,000 करोड़ हुआ करता था, आज हम 6,00,000 करोड़ तक का बजट लेकर आए हैं। बड़े काम और विकास के लिए बड़े बजट की जरूरत है। विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे, और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय की सुगमता, रोजगार की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों की पसंदीदा कार्य उनको मिल सके, उस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें देश और दुनिया के निवेश को आमंत्रित करने का अवसर देना। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के, ये 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्सर से यहां लागू किया। जो रिफॉर्म किए गए उसके परिणाम सामने आए, सरकार ने जो परफॉर्म किया आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, व्यापक संशोधन किए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई, आज परिणाम है। देश के अंदर, अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है, तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बना है।
बीजेपी के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत करने में जुटी कांग्रेस ने जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत यूपी में मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश के लोगों से मिलकर पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के साथ ही उन्हें कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी न्याय पंचायतों में 3 दिवसीय महासंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों से यह अभियान शुरू होकर जिला शहर न्याय पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इन खिलाड़ियों का जगह जगह सम्मान भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार भी इन ओलंपियंस का सम्मान करने जा रही है। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ओलंपियंस के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम मंत्री शामिल होंगे। ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। योगी सरकार पुरस्कार देकर खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। पीलीभीत के अमरिया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रैली को शिवपाल सिंह यादव ने संबोधित किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार रह गई है। जमीन पर भाजपा सरकार का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा ने जितने भी कानून बनाए हैं ऐसे में शिवपाल यादव ने भाजपा की ओर से बनाए गए सभी कानूनों को देश विरोधी बताया। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ अलायंस करती है तो वे इसके लिए राजी हैं। मैंने जो कहा कि हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी, अगर सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी अलायंस करती है तो हम जरूर करेंगे। कोई शर्त हमारी कोई शर्त नहीं, एक ही है सम्मान। जो आप प्रत्याशी उतार रहे हैं डालने के बारे पार्टी सपा नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं। मैंने जो कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीतने वाले हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, खबर यूपी के मुरादाबाद जनपद से है, जहां भाजपा से 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे चकरपुर नायक गांव निवासी हर्ष भान ने पार्टी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा से इस्तीफा दिया है। वहीं इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख हर्ष भान ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दामन थामते हुए आगामी चुनाव के कई समीकरण बिगाड़ दिए। इधर हर्ष भान के पार्टी छोड़ने से भाजपा को स्थानीय स्तर पर खासा नुकसान हुआ है। दो हजार 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़े थे सबसे पहला, तो उन्होंने कहा था हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो सुना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा था दुगनी कम करेंगे। यूपी के बलिया में बीजेपी महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तब बम ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमा हटाने का काम किया गया, तो वहीं पिछले दिनों एनआईए ने जिन्हें पकड़ा उनके पक्ष में अखिलेश यादव ने बयान दिया। वैसे ही बयानबाजी उनके सांसद भी कर रहे हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष को इन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बहने वाली पांचों नदियां इस समय उफान पर है। वहीं राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। साथ ही बांसी तहसील क्षेत्र के गोठवा मजवन सहित दर्जनों गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं, तो कई जगहों पर सड़क भी बाधित हो रही है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। गाँव के लोगों को दहशत भरी नींद में सोना पड़ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार मिश्र लगातार अधिकारी और विधायक से गुहार लगा रहे हैं। हमारी एवन टीवी की टीम नदियों का जायजा लेने के बाद अब फसलों का जायजा लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं, जहां फसलें डूब रही हैं और कुछ फसलें भी दिखाई भी दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां जो है
किस तरीके से फसलें डूबी हुई हैं, जो कुछ है, हरा भरा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ जलस्तर तेजी से है, जो हजारों एकड़ की संख्या में फसलें डूबी हुई हैं। यहाँ कुछ मौके पर जो किसान हैं यहाँ खड़े, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे कि लगभग क्या क्या समस्या यहाँ है आपके यहाँ। ग्राम पंचायत गोठवा के ग्राम प्रधान हैं। हमारे यहाँ बाढ़ से लगभग हजारों बीघा जमीन डूब चुकी हैं और उसके बाद नदियों का जलस्तर इतना ज़्यादा हो गया है कि खतरे के निशान के ऊपर है। और हाँ, जो मझौन और गोठवा का संपर्क मार्ग है, उस पर भी लगभग 1 से 1.5 फीट पानी भर चुका है। जैसे आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, तो आप मुझे ये बताने की कृपा करें, और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि मतलब इस चैनल के माध्यम से जाने कि लगभग इस क्षेत्र में कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से अब तक प्रभावित हो चुके हैं और बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। जी, यहाँ पर कम से कम दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। जैसे हम अपने ग्राम पंचायत से सटे अगर 2-4 गाँव का नाम ले लें, तो जैसे मझौन हुआ, गोठवा हुआ, हणहा हुआ, मऊ हुआ, गदरोहियाँ हुआ, मझारी हुआ, अतरमू हुआ, तो ऐसे लगभग दर्जनों गाँव हैं कि जो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। और दूसरी बात यह है कि हम कहीं ना कहीं सरकार में जो बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ नाला है, इसमें आने का तो हजारों रास्ता है पानी, लेकिन जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो भी गोठवा से। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा होने का चांस होता है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल नष्ट हो जाता है। ये हर साल का नियम है, ये एक साल का नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि मतलब यहाँ काफ़ी दिक्कतें होती है, जो निकासी नहीं हो पाता जल का, तो ऐसे में अगर बाढ़ आता है तो आपके यहाँ कितनी फसलें बचती हैं और कितनी बर्बाद हो जाती हैं? बचने के लिए तो ये हर साल का मैं वही कहा हूँ पहले भी, कि लगभग ये समझ लीजिए कि 100 में से 20% फसल बचता है, नहीं तो हर साल का ही नियम है कि 80% फसल डूब जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी दिक्कतें होती है, सरकार भी इस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ के दर्जनों गांव के किसान काफ़ी परेशान रहते हैं बाढ़ को लेकर के। बाढ़ प्रभावित एरिया है ये बताया जाता है, और हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, इनका विशेष अनुभव है अपनी ज़िंदगी में। चाचा, आप बताएंगे बाढ़ से कितने दिनों से आता है, कितनी दिक्कतें होती है? तो बहुत बहुत नुकसान हो, फर्क नहीं बचल रहा है। और यहाँ से नार गाँव, गोठवा, लड़का, हरहा, गदरहिया, मऊ, धुसिया, तिवारीपुर, कतरमू, जगरगतिया, ये कुल लेकर बहुत नुकसान है। कभी कभी तो 10-20% फसलें बच जाती है, लेकिन कभी कभी 100 के 100% यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विशेष ठोस कदम उठाए जिससे कि यहाँ के जो किसान हैं इनको बाढ़ से कुछ राहत सामग्री मिले। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं गोठवा घाट के, विनोद चौधरी, ने बताया कि रास्ते में जल जमा हो गया, जिससे दर्जनों गाँव का आवागमन है, जो मेन सड़क है, इस पर जल जमा हो चुका है, जिससे कि अब हमें यहाँ के लोगों को नाव की आवश्यकता है कि समय से प्रशासन नाव उपलब्ध कराए, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी आसानी हो। सहयोगी कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मिश्रा, A1 TV, सिद्धार्थनगर। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम अल्लाबख्शपुर में कीटनाशक दवा के छिड़कने से 15 बीघा में लगी धान की फसल नष्ट हो गई। दवा का छिड़काव करते ही एकदम से नीचे गिर गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि हापुड़ नगर स्थित ग्रामीण क्षेत्र में बिना लाइसेंस और बिना टेक्नीशियन के कृषि से संबंधित खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं खुलेआम बेची जा रही हैं, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसल अपने आप ही खराब दवाओं की वजह से चौपट हो रही है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है। डबल डेकर बस ईंटों से भरे ट्रैक्टर में जा घुसी, जिससे करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं रास्ते पर पड़े मलबे और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का काम भी किया गया है, ताकि अन्य कोई हादसा ना हो। गंज जनपद के रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंड में संचालित बच्चा प्रसव केंद्र में 3 महिलाओं के अंदर प्रसव के दौरान 2 बच्चों के मौत हो गई है। मामले को लेकर A1 TV ने
स्वास्थ्य केंद्र जाकर पड़ताल की तो सच्चाई चौंकाने वाली सामने आई है। आपको बता दें कि रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंड में संचालित बच्चा प्रसव केंद्र में सुविधाओं का भारी अभाव है। यहाँ इमरजेंसी भर्ती के लिए कोई सुविधा नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई प्रशिक्षित महिला डॉक्टर की तैनाती है। साथ ही ऑक्सीजन बेबी कॉर्नर और ऑपरेशन कक्ष की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। कौन व्यवस्था मिलल जब रात में डिलीवरी देखे के बीमारी बका बा कुछ ना गई देखे को जनी झूठ बोले जनी कि हम रात भर चेक करता थी दवाई करता थी और कौन व्यवस्था बा। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। कोतवाली सदर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली है। खीरनी बाग मां काली मंदिर के सामने गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर हालत में एक घायल को बरेली रेफर किया गया है। हमलावरों ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है तो वहीं पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। खबर लखनऊ से है जहां पिछले दिनों एक कैब ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले में देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ा लेकिन अभी तक कैब ड्राइवर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस कांड को लेकर लगभग 21 दिन हो गए हैं, अभी तक कैब ड्राइवर को न्याय भी नहीं मिल पाया है। जब कैब ड्राइवर से A1 टीवी के संवाददाता ने बात की तो उसने बताया कि अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और अब सवाल यही है कि आखिर इस तरह कब तक लड़कों के साथ इसी तरह से अन्याय होता रहेगा। कैब ड्राइवर कांड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लगभग 21 दिन हो गए और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं गई है। आज मेरे साथ अली जी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं क्या अभी तक प्रोसीजर आगे हुआ है। अली जी आपका इमेल में बहुत बहुत स्वागत। आपको 21 दिन हो गए हैं तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई या क्या बताया गया है? पुलिस की कार्रवाई हमको यही बस पता चल रहा है कि जांच चल रही है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं ये पूछता हूँ कि मुझे मैं यही चीज़ अगर करता, एक पक्ष को लिया उसका रिपोर्ट लिखी गई और दूसरे पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और यही चीज़ अगर मैं करता, मैं अगर लेडी को मार देता तो मेरी ना कोई जाँच होती ना कुछ होती और मुझे पकड़ के बंद कर दिया जाता और मुझे धाराएँ लगा दी जाती। ये ऐसा क्यों सरकार करती? अभी 4 दिन पहले आपने पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दी थी, क्या उससे आश्वासन निकला? कोई आश्वासन नहीं निकला, उन्होंने कहा ठीक है जांच चल रही है। अगर यही कांड आपकी जगह होता, आपने जैसे आपके ऊपर महिला ने हाथ छोड़ा, अगर आप करते वहाँ पुलिस भी खड़ी थी पहुँचे वहाँ पब्लिक भी थी जो वीडियो बना रही थी, तो आपके साथ क्या होता? वो ऑन द स्पॉट मुझको ले जाते और मेरे पर कार्रवाई करके सख्त सख्त मुझे भेज देते। वो एक महिला थी इसलिए उनका कोई पक्ष, दोनों जो पक्ष वहाँ पर बैठे थे तो उनको दोनों का पक्ष को सुनना चाहिए था, कौन बेगुनाह है कौन गलत है। मैं ये भी कहता हूँ अगर मेरी गलती है तो आप मुझे बंद करिए, जब उनकी लेडी की गलती है तो लेडी को बंद करें। दोनों का पक्ष तो सुनना चाहिए था ना उनको, उन्होंने कोई पक्ष सुना नहीं और मेरे पर 151 की धारा लगा के मुझे उन्होंने कल्ली पश्चिम भेज दिया। और जो ये कहिए वीडियो जो वायरल हुआ ये तो दुनिया ने भी देख लिया है, वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद जो सच्चाई साथ में आई सामने सब दुनिया के, जब वो पता चला कि वो अपराधी नहीं है, अब जब से जांच चल रही है बस। अगर बात करें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं लोग, तो यहाँ पब्लिक की भी बात करते हैं तो आपका पूरा सपोर्ट कर रही है, उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या सपोर्ट कर रही है? ये ठीक है, मैं ये चाहता हूँ मुझे जो है न्याय चाहिए, अभी तक लेडी पकड़ी नहीं गई है, जनता मेरा सपोर्ट कर रही है, बहुत सही चीज़ है क्योंकि मैंने गलत नहीं करा देखा। मैं ये भी जनता से कहता हूँ अगर मैंने कोई गलत करा हो तो आप मेरे खिलाफ भी वो मुझे बंद कराइए, कोई ऐसा नहीं कि मैं गुनहगार नहीं होगा, मैंने कोई गुनाह किया है तो आप मुझे भी बंद करिए। और जनता ये भी कह रही थी कि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, ठीक है मैं तो जनता नहीं जानता किसी को, ये चेहरा सबने पहचान लिया और अभी तक मेरे लिए कोई इंसाफ मुझे नहीं मिला, मैं तो सिर्फ इंसाफ की उगार लगा रहा हूँ ना, अभी तक कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है।
जैसा कि अली जी ने साफ बताया कि इनको 21 दिन हो गए हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। इनका सीधा कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उत्कर्ष के साथ निहाल पांडे, A1 TV, लखनऊ। यूपी के बस्ती में आशिक मिजाज दरोगा की पिटाई हुई है। ग्रामीणों ने की आशिक मिजाज दरोगा की जमकर पिटाई। आशिकी के चक्कर में दरोगा सिविल ड्रेस में चक्कर काट रहे थे। दरोगा अशोक कुमार चतुर्वेदी हैं, दुबोलिया थाने में तैनात। दुबोलिया थाना क्षेत्र के उजी मुस्तकिम गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर लोगों ने आशिक मिजाज दरोगा की जमकर धुनाई कर डाली है। आपको बता दें कि दुबोलिया थाने में तैनात दरोगा सिविल ड्रेस में चक्कर काट रहा था, तो ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई कर दी। थाना दुबौलिया के ऊंची गांव से रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया पर नियुक्त SI अशोक चतुर्वेदी को ऊंची गांव के ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। इस सूचना पर थाना दुबौलिया की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको वहां से छुड़ाया गया। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के द्वारा उनके SI अशोक चतुर्वेदी पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करने और उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। अशोक चतुर्वेदी मौके पर बिना वर्दी के थे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों की सत्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से SI अशोक चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। यूपी के पीलीभीत में SRTO अमिताभ राय ने लुधियाना से मजदूरों को लेकर बिहार जा रही प्राइवेट बस को सीज कर दिया। इस बस में तकरीबन 140 मजदूर सवार थे। वहीं इसके बाद सभी मजदूरों को रोडवेज बस अड्डे के पास बैठा दिया गया। इस दौरान 10 घंटे बाद भी जब किसी ने इनकी सुध नहीं ली तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनकी जानकारी मिली। वहीं मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा अपने समर्थकों के साथ जमा हो गए। इस बीच सभी सपा कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को भोजन करवाकर बिहार के लिए रवाना किया। उत्तर प्रदेश के भलुवनी गांव का रहने वाला नीतीश अफगानिस्तान में फंसा है, जिसने वीडियो कॉल कर परिजनों को बताया कि हालात ठीक नहीं है। जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां मैं अभी सुरक्षित हूं, एयरपोर्ट के हालात ठीक होने पर वतन वापस लौट आऊंगा। परिजनों ने बताया कि 13 जुलाई को दूसरी बार नीतीश काम करने अफगानिस्तान गया था। हमारा लड़का अफगानिस्तान गया है, 14 जुलाई को वहाँ पर वो पहुँचे हैं और फ़ोन बराबर आता रहता है। हम लोग पूछते हैं कैसा समाचार है तो सब बताते थे ठीक है, लेकिन जब से माहौल ख़राब हुआ टीवी पर हम लोग देखे तो पूछे तो बोले हाँ माहौल तो ख़राब है और सब बढ़िया है, खाना पीना सब अंदर ही हम लोगों को मिलता है, काम भी करते हैं। तो हम बोले उससे को कि हम बुलाना चाहते हैं अब, तो बोले कि मालिक हमारा बोल रहा है कि माहौल जब ठंडा हो जाएगा तो 2-4-10 दिन में हम खुद भेज देंगे। हमको मतलब ये होता है कि मेरा लड़का चला है, मगर मैं लड़के से बातचीत किया तो बोलते हम लोग कैसी स्थिति नहीं है, हम लोग अच्छे से हैं, कंपनी में है, सेफ्टी से हैं, हमारे मालिक हर चीज़ का हम लोग का साधन दिए हैं, खाने पीने के लिए भी और रहने के लिए भी। आज जब माहौल वहाँ का ठंडा हो जाएगा तो खुद भेजेंगे हम लोग। A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।